मैं जो स्केट बोर्ड नहीं था जी जी वो इस तरफ ला रहा हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि ये किस चीज़ के जैसे जाते हैं, ये मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए ठीक है। भगवान क्या है यार, वो पुल्ली किस चीज़ के लिए बांध रहा है? ये स्केट बोर्ड के लिए लाने के लिए था। अच्छा, ये वापस लाने के लिए है। ये है जनाब शेर नवाज। क्या बात है जी, बड़ा प्यारा चीज आया हमारी तरफ। स्केट बोर्ड कहते हैं इसको। ये रहा, ये अब्बास भी इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, अभी ये भी उड़ान भर देगा। बस बताए मुझे, एक लड़के का इधर होना जरूरी है आगे आने वाले को रोकने के लिए? हाँ हाँ, बहुत जरूरी है। अगर वो ना हो यहाँ पे तो? अगर ना हो तो मुश्किलात होंगी बंदे के लिए, दीवार के साथ लगने जी जी खतरा है जी। अगर एक बंदा इधर जिप लाइन को इस्तेमाल करने से पहले आपने ये लाजमी देखना है कि उस साइड पे आपको रोकने के लिए लड़का जरूर खड़ा होना चाहिए। ये रहा जी, स्केट बोर्ड की तैयारी हो रही है अभी, बहुत ही करीब से हम आपको दिखाएंगे। मैं रेडी हूँ भाई स्केट सिखाई के लिए, तो आपने ये ब्रेक लाजमी लगाना है। कौन सी वाली? ये वाली, ये वाली, ये मैंने छोड़ दी तो ये जाएगी, ब्रेक लगा ली तो ये रुक जाएगी। ये रुक जाएगी जी जी जी। या आप बीच में आप रोक भी सकते हैं, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। देखिए हम इतनी सेफ्टी देते हैं कि हम ऐसा कोई मौका नहीं आने देते हैं। सेफ्टी बिल्कुल है, आपने डर पर काबू रखना है, डर नहीं हो तो हर आप कामयाब। स्केट बोर्ड पे इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं माशाल्लाह जी, उस साइड पे पहुंचने वाले हैं अभी। 2 से 3 सेकंड के बाद वो वहां पे लैंड करेगा। आप बस बताइए, तो आप स्केट बोर्ड चलाते हुए गए थे वापसी और जिप लाइन पे मैं सेफली पहुंच गया, तो बहुत ही मजा आया मुझे। मैंने स्केट बोर्ड भी की और उधर से जिप लाइन भी किया। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने एक साथ 2 एडवेंचर्स किए हुए हैं और ये यूनिक एडवेंचर है, मैं बताता चलूँ। अच्छा। ये नेपाल में फर्स्ट टाइम था, अभी पाकिस्तान में ये लॉन्च हुआ है, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान स्केट बोर्ड। ये चले यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एहतियात की जरूरत होगी, पहाड़ों में चलने के लिए बहुत ही एहतियाती, हल्की सी अगर फिसलाहट होगी तो यकीन कीजिए नीचे नाले हैं, बड़े बड़े खाई हैं, गिरने का 100% चांसेस होते हैं। अभी आगे निकलना है भाई, पीछे मुड़ना नहीं है, वरना पीछे भी खाई है, नीचे भी खाई है मुझे।